ये देखे जरा, हमने चाय पी ली और अब हम सहरी की तैयारी के लिए कुछ चीजें शॉप से लेने जा रहे हैं, वो हम ले आएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी ताक रात की इबादत शुरू कर देंगे। आज हमने सोचा कि हम कजन्स जो हैं वो साथ ताक रात स्पेंड करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और अपनी ख्वाहिशात के लिए मांगेंगे इंशाल्लाह। पहले हम उधर को जा रहे थे, अब हम इधर को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्लान किया है कि वो जो मॉस्किटो वाला रैकेट होता है ना वो ये लेके आएंगे क्योंकि बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा है और ये उससे फ़न करते जाएंगे। अंदर रैकेट लेने गए थे मॉस्किटोज के लिए और ये डॉग्स आ गए हैं, भाई पीछे ना लगवा लेना। ये देखें जी, मॉस्किटो रैकेट आ गया, अब बस करो। डॉग मॉस्किटो रैकेट लेके आ गए। ला दे। ओए क्या ये अपना मुंह बचा ले, मार ले। मुझे इतने पड़े पड़े एंगल में आ रही है। कहाँ है जी, मच्छर मारना शुरू करो तो मुझे बताना। अच्छा ये देखे, मॉस्किटो किलिंग मिशन स्टार्ट है। अब जो भी मच्छर आएगा बटन दबाओ ना। इधर लाइट भी इसकी जलती है। हाँ इसकी अपनी टॉर्च चला लो, इतनी प्यारी इसकी टॉर्च है, ताकि मच्छर करीब करीब आए फिर हम उन्हें मार दें। एक पूरा ट्रैप बना ले। ये देखें हमारा मिशन है ये। तक तक देखें इनको कितना मजा आ रहा है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इधर दो ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करो, ए ऐसे लाओ। वो देखे लाइट गाइस, ये देखे इसको कितना मजा आ रहा है। वो देखे लाइट, ये पेंडुआ नु पहली बार ये देखो। ये देखो मॉस्किटो फन चल रहा है, मॉस्किटो किलिंग फन चल रहा है। लाशें बिछाई जा रही, ये बस करो, घर से किसी और काम निकले हैं। ये तो वैसे ही पकड़ा था। ये देखिए हम पहुंच गए हैं, वो अंदर से क्या ले रही है, अंडे। भाई मुझे ये दिला दो प्लीज, कल तीन अंडे। नो ऑफेंस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन से भाई मुझे अच्छे लगते हैं, कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते, मेरा दिल करता है पीने पीने का नहीं खाने का। ये सब मुझे नहीं इतने अच्छे लगते, मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये कह रही है मुझे रेड चीज और चीटोस लेके दो, और उसका उसका मूड नहीं है लेके देने का। हाँ वो देखो उसने निकाल ली है रेड चीटोस, मुझे भी पता नहीं, वो तूने पैसे भी लगे ये नहीं, कितनी आ वैसे हो, 1000 रुपया पकड़ा था उसने, मैंने देखा था। मुझे ये भी चाहिए, ये देखो ये वाले लेते हैं, ठीक है ये वाले सही हैं, नहीं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं चपेड़े भी मारूंगी अगर ना ये सारे सेम है। हाँ ये वाले सही है। हाँ ये वाले दिलवा दो। ये देखिए मैंने आज एक नई चीज देखी है, जैसे पेन लटका होता है ना डेस्क के साथ, बैंक वगैरह में जाओ आप या उस तरह, ये लाइटर लटका, ये होपफुली लड़कों के लिए है, फायदेमंद नुकसान दे। कहें जी हमेशा की तरह हम लेने कुछ और निकलते हैं और लेके कुछ और आते हैं। ये हमारी सहरी की तैयारी, ये देखें ये खा के हम रोज़ा रखेंगे, देखें ज़रा ये खा के रोज़ा रखेंगे। मैं अपनी शिफ्ट लगा चुकी हूँ, अपने खा चुकी हूँ, मुझे ये दे रहे नहीं है, ये देगी देखना, मुझे देखे बैठी मेरे लिए लेके। ये होती हैं कज़न्स अच्छी प्यारी, और ये होती हैं बहनें, ये लो तुम्हारे में डाल दूँ, ये होती है बहने। अच्छा अब क्यों नहीं पीछे किया। अब क्यों नहीं पीछे किया जब मैंने डालने के नाम। मैं तो अपने पापड़ खा के बैठी हूँ यार, यहाँ से ट्रांसपोर्टर हूँ, यहाँ से उठा के मैंने देने हैं यहाँ पर, और यहाँ से उठा के मैंने देने हैं मुंह में। पहले मांगते अगर अब मांगे, अब बॉर्डर आया कि अब नहीं देने, अब मैं खाऊंगी। मिले नहीं मिला, एक मिनट अब क्यों रही, इतनी ज्यादा क्यों ले रही हो, आराम आराम से हमसे खाओ। भाई 40 रुपए के पापड़ है कोई बात नहीं, मुझे देना है मैं। वो खा लेते हैं
मम्मी मैं धूप महंगी हुई है, धूप महंगी है मेरे अंदर इसके हाल होगी। हाँ इसके, हाँ जी इसके। और ये खाते हैं गंदी, ये मेरे खाने सब तुम्हारे, हमने क्या खाने हैं मेरी शक्ल है। जल्दी से खाएं, खोलो 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 जल्दी से खाएं। है ही नहीं, है ही नहीं। ये देखो ये कुकी, इसने बदतमीज ने थूक लगा के एक को अंदर मिक्स कर दिया। दो दो तीन, दो तीन को थूक लगा के वन स्पून कैसे किया आपने? रोटी बना लगाना, इसने ये अपनी मलकियत में ले लिया है। पर देखेगा तो वजू वजू हो गए, मैंने शक्ल ली नहीं, सबके वजू हो गए हैं। देखें इधर भी हो गए, इधर माशा नमाज शुरू हो गई, इधर भी वजू हो गए। अब हम जायनमाज बिछा के नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, अपनी सारी इबादत करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा सहरी के टाइम। ले जी मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी तक रात जो है वो हमारी बहुत अच्छी गुजर गई है। अब हमने सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, ये प्याज कट रहा है ताकि ऑमलेट वगैरह बने और पराठे बने, और हमेशा मेरी जगह होती है पराठों पे, तो मैं ये पेड़े आप पहचान लेंगे मैंने किए हैं। और ये देखें जी खस्ता से यमी से पराठे बनाए मैंने, और मुझे मच्छर नज़र आ गया, अब इसकी खैर नहीं है, अब इसको मैं मार के ही छोड़ूंगी। आज हमने अच्छा मजाक पकड़ा है मच्छर मारने वाला, आज पहली दफ़ा ही मुझे ये नज़र आया, तो आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं जो भी मच्छर हमें नज़र आएगा। चलें जी, ये जो रोज़ा था हमारा आखिरी ताक रात के बाद, ये तो चांद रात हो गई और सब मेहंदियाँ वगैरह लग चुकी हैं उन लोगों की जिनकी ईद है। मैंने तो कोई मेहंदी शेंदी नहीं लगाई थी क्योंकि आई मिस माई हस्बैंड और वो यहाँ पे है ही नहीं। फिर हम चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए निकले और हम स्वीट क्रैम पे गए और हमने मुंह मीठा किया चांद रात की खुशी में और हमने इंजॉय किया। ये हमारी प्यारी पुप्पो और हम ईद की खुशियाँ मनाते हुए, और फिर हमने वापसी पे सोचा कि चांद रात मेला लगा हुआ है वो देखते जाते हैं, तो हम चांद रात मेले पे गए और यहाँ पे कॉटन कैंडी वगैरह बन रही थी और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, बट इतने कोई अच्छे और इंटरेस्टिंग स्टॉल्स नहीं थे, बस बहुत कम कम दो चार स्टॉल्स थे, लेकिन हम कॉटन कैंडी बनने को इंजॉय करते रहे। बट इतना लंबा प्रोसेस था, इतना लंबा प्रोसेस था कि हम दरमियान में ही कॉटन कैंडी बनती छोड़ा है क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। वो कंप्लीट होती तो फिर हम कुछ उसकी शेप वगैरह या फूल वगैरह बना देखते, तो हमने बस ये थोड़ा सा कॉटन कैंडी का थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही देख लिया था। ये कॉटन कैंडी का सेक्शन देख के फिर हमने सारे इर्द गिर्द स्टॉल्स जो थे वो देखा। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें दूर दूर स्टॉल्स लगे हुए और बहुत कुछ कुछ कम कम लगे हैं और ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है। और मेहंदी भी बहुत गंदी गंदी सी लगा रहे थे, हम तो अपने घर से ये लगा के आए थे, हम इसी बात पर खुश हो रहे थे कि हम अपने घर से कितनी अच्छी मेहंदी लगा के आए हैं। चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी बट इतनी स्टाइलिश नहीं थी, मतलब ये जो चांद रात मेला था ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं था। कपड़े वगैरह भी बस एवे एवे से थे, और इस तरह से हमने अपनी चांद रात को स्पेंड किया। और ये एक राजस्थानी इंडियन टाइप स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे वड़ा पाव और डम्पलिंग्स और ये वो इंडियन स्टाइल में सब कुछ हो रहा था, तो इनका भी बड़ा कोई हाइजेनिकली गंदा सिस्टम लग रहा था, तो हमने खाया ही नहीं।